नीलम ये क्या सुन रही हूँ मैं? ये क्या हो रहा है तुम्हारे घर में? सब उल्टा हो रहा है खाला। इतने बरसों बाद फिर से मैं खून के आंसू रो रही हूँ। कहाँ फंसा दिया आपने मुझे? है? अरे मैंने कहाँ फंसाया तुम्हें? तुमने जो कुछ भी किया अपनी मर्जी से किया और तुमने अपनी मर्जी से उम्मीद को मारने की कोशिश की है और तुमने अपनी मर्जी से सरमत को उकसाया था तलाक दिलवाने के लिए और अपनी मर्जी से यासिर से भी शादी कर ली। अब कह रही हो कि मैंने फंसाया? तौबा है, बड़ी नाशुक्री हो नीलम। तो क्या शुक्र मनाऊं जो हो रहा है? हाला आप ही ने मशवरा दिया था ना कि उम्मीद को अपनी बहू बना लूं। उम्मीद ने आते ही मेरी जिंदगी हराम कर दी और वो दूसरी रमन मेरे घर आने के लिए पर तोल रही है। मेरे दोनों बेटे मेरे खिलाफ हो गए, ना यासिर मुझसे बात करते ना मेरे बेटे। मुझे लगता है उम्मीद को अपनी बहू बनाकर मैंने जिंदगी सबसे बड़ी गलती की है। तुम तो हो ही सदा की जज्बाती, इतने सालों में कुछ ना सीखा मुझसे? याद नहीं कैसे मैंने कोमल को सीधा रखा हुआ था और कोमल के हर नरम गरम रवैये को भी बर्दाश्त किया था और फिर उसकी ये बहन मारू आफत की परकाला इसको भी बर्दाश्त किया और देख लो उसकी हर साजिश नाकाम बनाकर अभी तक टिकी हुई हूँ इस घर में। हाँ अरे और तुम एक बहू नहीं संभाल सकी? मेरा बस चले ना खाला, तो इस उम्मीद का वो हाल करूं कि लोग कोमल का हशर भूल जाएं। मगर क्या करूं, मेरा बेटा ही मेरे खिलाफ हो गया, अपनी बीवी के सामने मुझे बातें सुना कर गया। अरे वो तो ठीक है, मगर ये बताओ कि जुनैद और अदील को ये सब मालूम कैसे हुआ? जुनैद का दिमाग तो उस उम्मीद ने खराब किया है। मगर अदील, उसने अपनी आंखों से देखा है मुझे उम्मीद को मारने की कोशिश करते हुए। यासिर भी मुझे इल्जाम दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है सारा घर मेरे खिलाफ हो गया है। कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। पर मैं आपको एक बात बता रही हूं, मैं अदील की शादी रमन से नहीं होने दूंगी। वो नहीं रख दिया, सत्यानाश सारा बेड़ा गर्क हो गया।